जो आदमी अकाल मृत्यु मरता है उसको ना ही तो याद करना चाहिए, ना ही उसकी चीज़ों को संजो कर रखना चाहिए। जो आदमी अकाल मृत्यु मर गया ना, उसके जो सबसे करीबी जो कपड़े थे उन कपड़ों को सबसे पहले उनको जला देना चाहिए। जैसे कि अंडर गारमेंट्स या कुछ वो डेली चीज़ों को पहनता था, उन कपड़ों को सीधा लेके जला देना चाहिए। बाकी जो उसके जो कपड़े बचे हैं उन कपड़ों को 10 जगह कम से कम उनको बांटना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आत्मा को भ्रम रहेगा उसको जाना कहाँ और रुकना कहाँ पे। अगर अकाल मृत्यु वाले इंसान के कपड़े अगर आप अपने पास रखेंगे तो अकाल मृत्यु वाला आत्मा जो है आपके घर में ही फंस कर रह जाएगी, वो जा नहीं पाएगी। सबसे पहले क्या करें, उसके कपड़े अलग अलग बांट दें, दान कर दें, उनकी जो चीज़ें हैं उनको जला दें, और हो सके तो उसकी जो भी चीज़ें हैं सबको घर से बाहर निकाल दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए सबसे ज़्यादा जोखिम रहेगा। अगर आप सोचेंगे अगर ये मेरा बेटा है या बहू है या बेटी है, पुत्र है, पोता है, पोती है, नहीं, मरने के बाद जिस इंसान की मरने के बाद अकाल मृत्यु होने के बाद इंसान की बुद्धि जो होती है, जो रूह जो होती है, आत्मा जो होती है, उसकी जो बुद्धि होती है 80% नेचुरली काम करना बंद कर देती है। उसको सिर्फ फेस याद रहता है और कुछ नहीं, अपने रिलेशंस उसको याद बिल्कुल नहीं रहते। हकीकत बात है, अकाल मृत्यु वाले जो आदमी होते हैं, आपने कई सारी चीज़ें आपने देखी होंगी घरों में, बहुत सारे घर जो है बंद हो गए, क्योंकि रीजंस क्या होता है, ओम नमः शिवाय। ऐसा लग रहा कोई देख रहा है मुझे, यहाँ पर देखिए मेरी बॉडी के गूज गुम्स खड़े हो गए। एक्चुअली वीडियो जो है ना मैं बना रहा हूँ कूपन क्लैश में, मुझे इसलिए लगा कोई यहाँ शायद कैमरे में रिकॉर्ड हुआ गौर से, यहाँ कोई खड़ा था साइड में, क्योंकि मैं अकाल मृत्यु के ऊपर एक ब्लॉग शूट कर रहा था, अचानक से लगा मुझे यहाँ कोई खड़ा शायद कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा। हाँ, आपने कहा देखा होगा, आपने देखा होगा जिन घरों में काल मृत्यु होती है वो घर जो है हमेशा के लिए खाली हो जाते हैं, खाली घर पड़े रहते हैं। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि अच्छे अच्छे मकान, अच्छे अच्छे हवेली, अच्छे अच्छे फ्लैट्स खाली पड़े रहते हैं, क्योंकि उन घरों के जो आदमी है पता नहीं कौन, क्योंकि जिन घरों के जो आदमी है वो काल मृत्यु मर चुके हैं, वो उनकी जो आत्मा है उन घरों में ही पसके रह जाती है, वो निकल ही नहीं पाती उस घर से बाहर। उनकी आत्मा जो है उस घर से बाहर निकल ही नहीं पाती। किसी किसी आदमी की ऐसी प्रिय वस्तु होती है, कोई चीज़ खरीद के लाई घर में होती है, कुछ आइटम्स ऐसे घर में होते हैं, किसी के का बड़ी मेहनत से घर बनाया हुआ होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, उन चीज़ों को हम चाहकर भी नहीं निकाल पाते। जैसे घर हो गया का कुछ फर्नीचर हो गया, कुछ घर में कुछ चीज़ें होगी, किसी किसी आदमी को उस चीज़ों से बहुत प्यार होता है, ठीक है, हम उन चीज़ों पर गौर ही नहीं कर पाते। अक्सर होता ये है कि हम लोगों को फिर बाद में फ्लैट हो या घर हो या गाड़ी हो या बंगला हो, हमें वो खाली करके वहाँ से जाना पड़ता है मजबूरन। नहीं जाएंगे तो हमको न चैन आएगा, न उस वो आदमी जो मरने वाला ना हमें वो चैन लेने देगा, वो आपको परेशान करेगा, क्योंकि वो अपने होने का एहसास आपको याद दिलाएगा बार बार। ठीक है, फिर देखिए मेरे बॉडी के कुछ गुम्स खड़े हुए, इसका मतलब कोई मेरे आसपास है यहाँ पे। देख रहे मेरी बॉडी के गूज बम्स, ये अगर खड़ा होने का मेरी बॉडी के गूज बम्स खड़े हुए तो उसका रीज़न एक ही होता है कि वो याद के आसपास है, कोई आदमी मुझसे टच होने की कोशिश कर रहा बार बार। कोई है, एनीबडी देयर? क्या कोई मुझसे बात करना चाहता है? पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसे कोई है, और बार बार मेरी बॉडी से, देखिए अभी नहीं है, अभी चला गया,
तो मुझे सर लगता है कोई बार बार मुझे टच होने की कोशिश कर रहा है, मुझे बात करने की कोशिश कर रहा है सीरियसली। तो हमेशा आप याद रखिए कि मरने वाला कभी आपका प्रिय नहीं है, वो चीज़ को भूल जाना ही आपके लिए सबसे बेटर है। बहुत सारे लोग मरने वाले की चीज़ों को सजो कर रखते हैं, उनको नहीं पता होता है कि उसका परिणाम क्या उनके साथ होने वाला है। जब होता है तो वो भुगतते हैं। रिलीजन कोई सा भी हो, धर्म कोई सा भी हो, पर ये होता ही सबके साथ। कुछ लोग इस चीज़ों के चलते हुए इलाज करा लेते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होता। जैसे बाहरी शहरी जो लोग होते हैं, अक्सर ये चीज़ें होती हैं शहरों में। गांव के लोगों को इन चीज़ों के बारे में इतना पता होता है कि वो सब चीज़ों को, मरे हुए इंसान की चीज़ों को बाहर, घर से बाहर कर देते हैं या उनको जला देते हैं। तो शहरों में क्या होता है, अक्सर को लोग इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, बाद में उन चीज़ों को घर छोड़ के जाना पड़ता है या ऑफिस छोड़ के जाना पड़ता है या फैक्ट्री छोड़ के जाना पड़ता है या फिर हवेली छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि स्पिरिट हमेशा अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, जब भी आप, स्पिरिट हमेशा अपनी उपस्थिति का हर किसी को एहसास कराती है। नेचुरल वो पावर है वो। फिर से मेरी बॉडी का कुछ बन सड़ा, अब मैं जो मुझे डर नहीं लग रहा, सिर्फ मेरी बॉडी बता रही है कि चीज़ें हैं। जैसे कोई मुझे ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहा हो, मुझसे जैसे कहते ना किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो, वो मुझे अभी फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा। तो आप हमेशा याद रखिए अपने घर को, अपनी ऑफिस को, अपनी फैक्ट्रीज को हमेशा स्वच्छ रखिए। जो आदमी मर गया उसकी चीज़ों को जाने दीजिए, उसकी भूल जाना ही सबसे अच्छी बात है। जो लोग जहाँ कहते हैं ना कि जिस मरे हुए इंसान की फ़ोटो घर में लगा के रखते हैं फ्रेम में, वो नहीं लगाना चाहिए कभी भी। मरा हुआ इंसान कभी किसी का नहीं होता है। आई थिंक मुझे कोई परेशान कर रहा है रियली। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं कि मैं यहाँ पे जो वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आई थिंक मेरे पास कोई आने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी वीडियो ख़त्म करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मुझे कोई वीडियो शूट करने देना नहीं चाहते। पता नहीं, जब मैं यहाँ पे कुछ तो था, उस जगह पे कुछ तो था, जब मैं वीडियो शूट कर रहा ना, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही, माइंड मेरा डिस्टर्ब हो रहा था। बार बार कोई ऐसा लगा कोई देख रहा है, कोई टच होने की कोशिश कर रहा है मुझे, कोई पुश करने की कोशिश कर रहा है, जैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई धक्का दे रहा है, कभी कैसा लग रहा है कोई खींच रहा है मुझे, मुझे नहीं पता कौन था। और बार बार अटैक जैसा करने की कोशिश कर रहा था मेरी बॉडी पर, तो मुझे सही नहीं लगा। और काफ़ी मन में ख्याल भी आ रहे थे मेरे कि निकलें कि ना निकलें, पर मैं काफ़ी सोच विचार भी कर रहा था उस जगह पर कि जगह रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, या जहाँ पर बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, आत्मा की बात कर रहा हूँ, या वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं चाहिए वीडियो। पर मेरे काफ़ी सोचने विचारने के बाद फिर मुझे वहाँ से निकलना सही लगा। और मैं आपको बता दूं, कभी कभी हमारा जो बॉडी है ना, शरीर है ना, क्योंकि हमारा सच बोलता है, सच बातें बताता है, तो मेरे शरीर ने, मेरे दिमाग ने, मेरे दिल ने, बॉडी ने मुझे बोला कि आप यहाँ से निकलो, ये जगह सही नहीं है। और मैं वहाँ से निकल के, डर नहीं लगा, मुझे लगा कि कोई मेरा हार्म ना पहुँचा दे। डर तो किसी के बाप से नहीं लगता है मुझे, तो जिंदा रह के कुछ नहीं कर पाया तो मर के क्या करेगा दोस्तों। जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा था उस टाइम पर, जब मैंने आत्मा करके नाम पुकारा, आत्मा आत्मा कर, जितनी बार भी आत्मा मैंने बोला, उस समय कोई मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे करीब खड़ा है और मुझे देख रहा है। और हकीकत में बोलूँ, वो मुझे अटैक करने की कोशिश कर रहा था। मैं काफ़ी देखा, आपको इस वीडियो में दिखाई देगा
मैंने काफ़ी सोचने की कोशिश की, मैंने काफ़ी देखने की कोशिश, कोई है क्या, कोई नहीं वहाँ पे, और मुझे रियली वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पर मैंने उस समय बहुत सोचा बेचारा, और फिर मन से एक आवाज़ आई कि तुम सब ठीक है यार, यहाँ से छोड़ दो, निकल जाओ। कि मैं जितनी बार भी आत्मा का नाम लिया, स्पिरिट का नाम लिया, तो वो चीज़ मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। वो जगह मैंने वहाँ से छोड़ी, कि मुझे नहीं पता था वहाँ पे क्या है। पर हकीकत में उस जिस जगह मैंने वीडियो शूट की और वीडियो शूट कर रहा था उस समय, तो ऐसा लग रहा कोई देख रहा है, कोई अजीब सी आवाज़ हो रही थी, और मेरी बॉडी के जो गूज बम्स है बहुत बुरी तरह खड़े हो गए थे। मुझे करंट जैसा फील हो रहा था कि कोई करंट लगने वाला है, कोई लग रहा है मुझे जिससे उस समय। फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ से निकल जाना ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम में मैंने वहाँ पे खड़े होकर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं एक मोस्ट ब्लॉग शूट कर रहा था, जो मैं नेचुरल पावर के ऊपर बता रहा था कि आत्मा ऐसे ही है, वो आत्मा ऐसे कर सकती है। तो लोगों में जागरूक करने के लिए चीज़ को वीडियो में बनाया था इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी इससे नेक्स्ट हॉन्टेड ब्लॉग में। जब तक दोस्तों मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए, अगर आप दोस्तों नए आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों,